विदिशा जिले में निशुल्क रक्त परीक्षण शिविर में पहले दिन 3000 से अधिक नागरिकों ने कराया परीक्षण। 90 वर्ष की महिला ने भी कराया रक्त परीक्षण। देहदानी विकास पचौरी ने जिले में करीब 1,46,000 निःशुल्क रक्त परीक्षण करने के उपरांत नगर में स्थानीय नेहरू चौक पर कैंप लगाया है। जैसे ही निःशुल्क रक्त परीक्षण प्रारंभ किया, पहले दिन 3000 से अधिक नागरिकों ने विकास पचौरी फाउंडेशन के बैनर तले पहुंचकर अपना प्रशिक्षण कराया और अपना रक्त ग्रुप जानकर कार्ड बनवाया। इस पुनीत कार्य में विशेष रूप से नगर के सभी गणमान्य नागरिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक संगठनों के अलावा राजीव गांधी जन चिकित्सालय और आशा कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग मिल रहा है। प्रमुख आयोजन देहदानी विकास पचौरी ने चर्चा में बताया कि अभी जिले में निःशुल्क रक्त प्रशिक्षण 1,46,000 करीब हो चुके हैं। शिविर गंज बासुदा में नेहरू चौक पर सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक आगामी दिनों में चलता रहेगा। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। नेहरू चौक गंज बासुदा पर सुबह 9 बजे से आज हमने निःशुल्क ब्लड ग्रुप परिचय कार्ड बनाकर देने की सेवा प्रारंभ की है। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर बासुदा के सम्मानीय नागरिक, बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ पर हमें सेवा का अवसर देते रहेंगे। उपाय है कि विदिशा में किसी भी व्यक्ति को जब मृत्यु होती है तब उन्हें निःशुल्क हमारा एक शव वाहन है, उसको हम स्वयं चलाकर उन्हें मुक्तिधाम विदा करते हैं। इसके अलावा देहदान के संकल्प पत्र भी हम लोग भरवाते हैं, जिसमें अभी तक 288 व्यक्तियों से हम लोग संकल्प पत्र भरवा चुके हैं। इन्हीं में 7 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके पार्थिव शरीर की विदाई हम लोग मेडिकल कॉलेज में कर चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।